सभी उस्ताद खलीफाओं का सलाम वालेकुम। मैं अप्पू खलीफा, मैं अप्पू खलीफा। सुना शन्नो भाई, भाई शन्नो, मैं अप्पू खलीफा। मैं अप्पू खलीफा शन्नो भाई, भाई शन्नो क्या बराबर में जो साजिद भाई रहते हैं उन्हें 101 कबूतरों की आवाज है, जो बाख्तियार खलीफा है साजिद भाई उन्हें 101 कबूतरों की आवाज है अप्पू खलीफा की, प्लीज आप उस आवाज को पकड़े। साजिद भाई जो शन्नो भाई के बराबर में रहते हैं चाय वालों के, ठीक है भाई, इस आवाज को पकड़े। साजिद भाई जो शारिक भाई है उस्ताद शारिक उनके शागिर्द हैं, ठीक है भाई, बजाओ ताली। अस्सलाम वालेकुम सभी उस्ताद खलीफाओं को, मैं खलीफा साजिद तालिब उस्ताद अब्बा शारिक। अब्बू भाई आपने मुझे अपनी आवाज़ की, पहले तो आप ये बताएं कि आप किस तालीम से हैं और आपका ये शौक और ये अरमान भी पूरा करा जाएगा। जमुनापार से शायर कर रहा हूँ आज, ठीक है, चलिए चलिए। और इनको बाख्तर खलीफा भी दे रहा हूँ आज ही, ठीक है जी। ये हमारे मास्टर जी ऑलरेडी खलीफा है ये हमारा चाचा का बच्चा है, ये भी हमारा खलीफा का बच्चा है, तो ये दो लेकिन क्या आया था ये भाई हमारे टेंडिंग भाई टेंडिंग के जोड़े वाले दूसरों को परेशानी की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अप्पू खलीफा, मुबारक हो बड़े भाई, आप खलीफा बन गए अभी पता चला, बड़े भाई आपसे ही दौड़ भागेगी, हाँ आपसे ही दौड़ भागेगी। बड़े भाई मैं शन्नो भाई की बराबर में नहीं रहता, मैं हाजी मिराज की बराबर में रहता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, जो आपकी तालीम के खलीफा है। बड़े भाई आपसे ही शौक होगा, इतनी दूर क्यों जाएंगे, पास में आओ, ठीक है भाई, पांच आदमी लेकर आना, पांच आदमी तो ज्यादा नहीं होने चाहिए, कल ही पर्चा भरेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सभी उस्ताद खलीफाओं को, भाई मुझे तो पहचान ही लिया होगा मैं कौन हूँ, कल से अब तक पता चल गया होगा। भाई मैं अप्पू खलीफा उस्ताद अख्तर तालीम से बाख्तियार खलीफा। साजिद भाई मैंने कल आपसे कुछ कहा था, मैं तो सो रहा था अभी भी उठ के आया हूँ, क्योंकि शेर क्या करता है जंगल में दाड़ के ना जाके आराम करता है, और जो जो छोटे मोटे होते हैं ना भागा दौड़ी करते हैं, मारान छोड़ो उस बात को। साजिद भाई मैंने कल आपको आवाज़ दी थी 101 कबूतरों की, साजिद भाई क्या सोचा क्या विचार करा उसका, मीटिंग के लिए क्या करना है, और आपने कहते पाँच आदमी, मेरी तरफ से 500 आदमी लेके आओ, अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा दिल है हमारा, और मीटिंग का भाई टाइम बताओ कब की मीटिंग करनी है। साजिद भाई भागने वाले घर में ढूंढो आप बड़े भाई हो मेरे, और ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, अगर कोई बात है अकेले में मुझे फोन कर दो, मैं इंशाल्लाह बात वापसी ले लूंगा। साजिद भाई आपसे कह रहा हूँ मैं, बड़े भाई हो आप मेरे, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अहले ग्रुप को नमस्कार सत श्री अकाल। हमारे साजिद भाई जो सिलमपुर से खलीफा हैं बाख्तियार खलीफा हैं उस्ताद शारिक तालीम से, शारिक भाई जो हमारे जाफराबाद वाले उनकी तालीम से हैं, उनका ये कहना है अप्पू भाई मैं इतने चिराव पे क्यों जाऊंगा, हाजी मेराज की जो छत है आप वहाँ से आ जाओ। तो साजिद भाई बात तो बताओ, आवाज़ मैंने दिया हाजी मेराज ने दी है, क्या हो गया साजिद भाई सोए नहीं क्या तुम,
बड़े भाई सो जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा, क्यों हंसी उड़वा रहे हो ग्रुप में, लोग बाग हंसी उड़ाएंगे। आवाज मैंने दी है साजिद भाई आपको, ना के हाजी महराज ने, ना हाजी महराज के बेटे ने, आवाज मैंने दी है आपको साजिद भाई, जरा गौर से मेरी वीडियो देखें आप, और जो आपके साथ भाई बैठे हैं सब मेरे, वो भी गौर से देखें। तो जो कोई भी आपके साथ भाई बैठे ना, मशवरा सही दें आपको, हाजी महराज से भी शौक हो जाएगा भाई। पहले आप मेरी आवाज का जवाब दें, साजिद भाई पहलवान मैं हूँ, हाजी महराज थोड़ी है, कुश्ती की आवाज तो मैंने दी आपको, ना के हाजी जी ने, हाजी महराज ने आवाज नहीं दी, मैं फिर कह रहा हूँ अप्पू खलीफा ने आवाज दी आपको। और भाई मेरी सीध में बैठे हो, बिल्कुल सीध में, एक मकान आगे ना एक मकान पीछे, बिल्कुल सीध में बैठे हैं दोनों भाई। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, आपके समझ में नहीं आ रही साजिद भाई यार, मैं तो सोने चला गया था, आंखें बंद हो गई थी मेरी, लेकिन ये अभी रिकॉर्डिंग भेजी और मुझ तक रिकॉर्डिंग भी नहीं आ पा रही है। साजिद भाई आप बड़े भाई हो मेरे, आराम कर लो आप, थोड़ा सा आराम कर लो और थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो आप। साजिद भाई शौक आपका और मेरा हो रहा ना क्या हाजी महराज का, ठीक है साजिद भाई, भाई थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, आराम कर लो, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। हाजी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या अप्पू भाई से भाग गए भाई, कहते मार्केट में भाग गए अप्पू भाई से। साजिद भाई कल तो ताली पिट रही थी बहुत तेज, उछल उछल के आ रहे थे कि आ जाओ, अब क्या हो गया अप्पू भाई को घर भेज दूं। भाई ये शौक होना चाहिए, और आपको भाई साहब शौक करो, क्योंकि कल आपने एक मीटिंग में बात कही थी, जो भी आपके पांच छह खलीफा थे और जो साथ के थे, उन्होंने कहा था कि अप्पू आपको जाने नहीं देंगे। आपने पहले तो उसकी पूरी बिरादरी पूछ ली भाई कौन सी तालीम से, तो उनने वीडियो भी डाल दी। अब वीडियो डालने के बाद आप भाग रहे हो भाई, भागो मत, पर्चा लिखवाओ उससे, जितने भी कबूतरों का आपका दिल करे। दूसरी बात, आप ये मत को कि हाजी महराज को तो छोड़ दो, उनके तो घर पे आवाज दे दो, आज वीडियो निकाल दो हमारी वीडियो के बाद, वो जानेंगे, मगर अब हमारी हाँ अब भगवाएंगे हम हाजी महराज से, मगर अब भाइयों को ये भाई साहब जी जो आप कह रहे हो कि हाजी महराज से मेरी छत बराबर में, उनसे मेरा शौक करा दो, मैं मेरे बराबर में आ जाऊँ, मेरे से दूर चले जाओ, मैं बड़े भाई गलत तो कर दे पड़ोस की शर्म। और साहिद भाई बात सुनो, तुम्हारी तालीम को कोई दुरंधर हो, कोई धनत्तर हो तुम्हारा उस्ताद समीत, तो आन की आवाज़ दे लो, जहाँ चाहो जैसा चाहो वैसा कर लो, कोई अल्लाह नगर आड़े वाड़े नहीं है, हम करेंगे तुम्हारे अरमान पूरे। आपने तो अप्पू भाई के करेंगे तुम्हारे पूरे, तुम्हारे अरमान पूरे तुम्हारे करेंगे, आओ तो सही, आओ ना, वो 500 आदमी लेके आना, अरे 500 नहीं 5000 लेके आना, बड़ी बड़ी हमारे भाई साजिद आपने कल एक बात कही थी कि अप्पू भाई मैं आपके अरमान पूरे करूंगा। दूसरी बात, आपने कहा था शन्नो को कुछ कहने वाले थे, आप तो एकदम रुक गए, मगर आपको अप्पू का अरमान पूरा करने चाहिए, और हाजी महराज की तो बहुत दूर की बात है, उनसे तो आप अरे पहले उनके रास्ते नहीं बदलो, उनके बराबर तो करने कोई भी, इनके उस्ताद भी उनके जोड़ के नहीं है, पहली बात तो पहले उनके रास्ते नहीं बदलो, बाप तक तो बाद में जाओगे। हाजी जी इतने बड़े हैं, हाजी जी का इतना रुतबा है, इनका उस्ताद भी नहीं इतना बड़ा, तो यार पहले आवाज दो, पर्चा लिखवा दे हम आपका इंशाल्लाह, पहले इन्हें आवाज दो और पर्चा लिखवाओ। दूसरी बात, अप्पू भाई का शौक पूरा करना भाई, नहीं उनका शौक पूरा नहीं करेंगे, उनका शौक पूरा नहीं, अप्पू को कोई मर्दी नहीं मिला, तुम आवाज दो, मर्दी नहीं मिला अप्पू को यार, तुम आवाज दो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा दम के साथ है यार, जितने की दी जा सके, जितने की 100 से लेके 500 तक 1000 तक, छत पे गाओ छत पे, मैदान भाई भागते हैं नहीं भगा रहे, कबूल है बच्चे तो इंतजार में कि दौड़ हमारी कब भागेगी भाई, आसार तो ऐसे लग रहा है अप्पू भाई कहाँ से भाग गए, कैसे भगाएंगे हाजी जी से, हाजी जी का मामला तो बड़ा खेड़ा है, ये अप्पू भाई से भाग गए, बड़ी तालियां पीट रहे थे, अपनी पीटेंगे इनकी तालियां। फैसल भाई 12 ओवर में बैठ के कह रहा है ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वो बड़े सीनियर बनते हैं, फैसल भाई आपसे कह रहा हूँ, कल तक शर्म खाते थे सब भाइयों की, आज शर्म उठा के तिजोरी बन करके आ गए, जैसे जाओ वैसे आए ना आप भी, आपसे भी स्पेशल कह रहा हूँ मैं फैसल भाई आपसे, तालियां। दौर में वापसी नहीं आने दिया, हमारा बाप तालीम से निकल गया, आज तो हमारा बाप मजबूत तालीम में है, और बाप पे तो बात नहीं होगी।